दुनिया का सबसे ताकतवर पौधा जो कचरे की तरह उगता है। नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आयुर्वेद में इस पौधे को शारीरिक, मानसिक एवं यौन शक्ति वर्धक तथा अनेक रोगों को नाश करने वाला दिव्य वनस्पति माना है तथा अनेक आयुर्वेदिक औषधियों में इस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है और अधिकतर इसको बल वीर वर्धक औषधियों में प्रयोग भी किया जाता है, जैसा कि गोचर आदि चूर्ण, मूसली पाक, कौचा पाक, दिव्य चूर्ण, धातु पौष्टिक चूर्ण आदि अनेक औषधियों में इसको प्रयोग किया जाता है। यह ताल मखाना का पौधा है जिसकी आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। कृपया वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह जो आप देख रहे हैं, यह कोकिलाक्ष का पौधा है जिसे तालम खाना भी बोला जाता है। यह एक प्रकार का कटीला पौधा होता है जो वर्षा काल में अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। यह अधिकतर गीली मिट्टी, नदी, तालाब के किनारे अधिक उगता है और जहाँ पर पानी भरा होता है और उसके बाद जब वह पानी सूखने लगता है तो वहाँ पे आप इसको बहुत ही अधिक मात्रा में देख पाएंगे। इस पर इस तरह के सुंदर नीले रंग के पुष्प खिलते हैं। एक सफेद पुष्प वाला भी होता है लेकिन वो बहुत ही कम दिखाई देता है। दोनों का ही औषधीय प्रयोग किया जाता है। इसके तने पर पत्तों के साथ फूल आते हैं और लंबे लंबे कांटे भी निकलते हैं। इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं। इस पौधे को पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि इसकी आकृति देखकर ही आप एक ही बार में समझ जाएंगे। इसकी जड़ें बहुत ही लंबी होती हैं और इसकी जड़ों का भी औषधीय प्रयोग किया जाता है। यह पौधा भारत में बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है और दुनिया का सबसे ताकतवर पौधा इसको माना जा सकता है, लेकिन जानकारी ना होने के अभाव में लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं और जो वनस्पतियाँ दुर्लभ है उनको नष्ट करने में लगे हुए हैं। यदि आप इस पौधे को उखाड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। इसलिए आप दुर्लभ वनस्पतियों को छोड़कर इस वनस्पति के औषधीय प्रयोग करें। पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि यह वनस्पति कितनी चमत्कारी औषधीय गुण रखती है। चलिए इसके कुछ नाम जान लेते हैं ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना आए। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना पहचाना जाता है, जैसे कि संस्कृत में इसको कोकिलाक्ष, कांडेक्चु, काकेक्चु, हिंदी में तालम खाना, कोकिला, ऊंट कटारू, ताल मखाना, उर्दू में तालिम खाना, गुजराती में एखरो, तेलुगु में कोकिलाक्षी, कन्नड़ा में कोलावली के, बंगाली में कुलियारा, तेलुगु में कोकिलाक्षी, नेपाली में तालम खाना, पंजाबी में तालम खाना और मराठी में भी तालम खाना बोलते हैं। और इसका अंग्रेजी नाम है लॉन्ग लिव्ड बर्नेरिया तथा इसका वनस्पतिक नाम है हाइग्रोफिला आरिकुलाटा। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इसको क्या नाम से जानते हैं, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। आयुर्वेदिक मत अनुसार ताल मखाना ठंडी प्रकृति का होता है। यह पित्त को कम करने वाला, बल कारक, खाने में रुचि बढ़ाने वाला तथा यह सूजन, प्यास, पित्त संबंधी विकार, विष, पांडु, पीलिया, पेट संबंधी रोग, पेट का फूलना, मूत्र संबंधी सभी प्रकार के विकार, जलन, गाठिया, प्रमेह, मधुमेह, आँखों की समस्याएं, रक्त दोष आदि में लाभकारी होता है। इसके बीज कटु, मधुर, तीक्ष, शीतल, भारी आदि गुण रखते हैं। इसके पत्ते दर्द निवारक, मूत्रल तथा बल कारक होते हैं। ताल मखाना के पौधे से जो बीज निकलते हैं उनका प्रयोग अधिकतर पुरुषों के यौन रोग, शुक्राणुओं की कमी, नपुंसकता तथा शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में अधिक प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही बलवर्धक, कामोत्तेजक और शुक्रल है तथा ये अन्य रोगों को भी दूर करता है। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग जो गुप्त और अत्यंत लाभकारी है। ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। सभी प्रकार के रक्त विकारों को दूर करने के लिए कोकिलाक्ष का प्रयोग किया जाता है। 1 से 2 ग्राम इसके बीजों के चूर्ण को सेवन करने से सभी प्रकार के रक्त विकार दूर हो जाते हैं। इसकी जड़ का क्वाथ बनाकर पीने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। यकृत संबंधी विकारों में भी इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर लगभग 10 से 20 ml की मात्रा में पिलाने से पीलिया, पांडु, जलोदर तथा मूत्र संबंधी विकार दूर होते हैं। पथरी रोग दूर करने के लिए ताल मखाना का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है और इस पर हमने 2 वीडियो बनाई है जिनको देखकर आप विस्तार से इसके बारे में जान पाएंगे, तो वह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ताल मखाना के बीजों का प्रयोग करके एक चूर्ण बनाया जाता है जिसे गोचर आदि चूर्ण बोला जाता है। यह चूर्ण बना बनाया बाजार में मिल जाता है जिसका प्रयोग करके आप अपनी नपुंसकता को दूर कर सकते हैं। वाजीकरण होता है तथा काम शक्ति को बढ़ाता है। सभी प्रकार के मूत्र विकारों को भी यह ठीक करता है। यदि आपको किसी भी प्रकार के मूत्र संबंधी समस्या है तो उसमें यह प्रयोग आप कर सकते हैं।
यह प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रयोग कर पाएंगे। तो नुस्खा इस प्रकार से है, इसकी जड़ को काट कर लगभग 10 से 20 ग्राम की मात्रा लेकर उसको पानी में खूब उबालें और फिर 20 से 30 ml की मात्रा में एक एक बार में पीते रहने से सभी प्रकार के मूत्र संबंधी विकार ठीक होते हैं तथा यह पथरी रोग में भी लाभ करता है। दाल मखाना के बीजों का चूर्ण लगभग 1 से 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने दूध के साथ सेवन करने से शरीर में ताकत आती है, वीर पुष्ट होता है तथा सभी प्रकार की कमजोरी दूर भाग जाती है। यह बहुत ही शक्तिवर्धक है। अत्यधिक शुक्र छाया के कारण आई कमजोरी को दूर करने के लिए दाल मखाना के बीज 5 ग्राम, कौंच के बीज 10 ग्राम तथा मिश्री, इन तीनों को मिलाकर 2 से 5 ग्राम की मात्रा में गुनगुने दूध के साथ सेवन करने से तो समस्या पहले दिन से ही ठीक होने लगती है। स्वास्थ्य संबंधी रोगों को दूर करने के लिए इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर सेवन करने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। अतिसार या दस्त को रोकने के लिए इसके 2 से 3 ग्राम बीजों के चूर्ण को दही में मिलाकर सेवन करने से समस्या तुरंत ठीक हो जाती है। इसके बीजों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोज पानी के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के रक्त विकार ठीक होते हैं। जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वह कोकिलाक्स के द्वारा अपनी डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं या फिर आप इसके बीजों के चूर्ण के साथ बला, गंगरेगन व गोखरू चूर्ण मिलाकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करें तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। कोकिलाक्ष कब्ज को भी दूर करता है तथा इसके पत्तों का चूर्ण रात में सोते समय सेवन करने से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर प्रयोग करने से गठिया रोग में बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं तथा यह कमर दर्द को भी ठीक करता है। इसके संपूर्ण पौधे को उखाड़कर भस्म बनाकर 1-1 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ लेने से मानसिक विकार दूर होते हैं तथा यह पथरी को भी ठीक करता है तथा मूत्र संबंधी अनेक विकार इससे ठीक हो जाते हैं। ताल मखाना को आप बाजीकरण औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कौंच बीज चूर्ण और ताल मखाना के बीज बराबर मात्रा में लेकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से यह बाजीकरण गुण प्रदर्शित करता है। ताल मखाना और मखाना दोनों अलग अलग होते हैं। यदि इन दोनों का सेवन एक साथ किया जाए तो यानी कि ताल मखाना के बीज का चूर्ण और मखाना का चूर्ण दोनों को बराबर मात्रा में लेकर 1 से 3 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ रोज सेवन करने से शरीर में दिव्य शक्ति आती है। यह सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आदि से भरपूर है जो आपकी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। यदि आप इस ताल मखाना के औषधीय प्रयोग जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं ताकि आपका किया हुआ कमेंट किसी के काम आ जाए। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर आप किसी अन्य वनस्पति की जानकारी चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।